हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है बच्चों? एक बार कंफर्म करो बेटा, आवाज़ आ रही है? हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही बेटा? हाय दर, कंफर्म करो बेटा, आवाज़ आ रही है? यस। चलो, आज जानते हो बच्चों, बहुत छोटा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जो कि बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया है। छोटे से चैप्टर को भी 3 लेक्चर में बताया गया बेटा, तो छोटे से चैप्टर को हम लोग जल्दी से कवर करेंगे, और जितने इसके क्वेश्चन बन सकते हैं और जो कॉन्सेप्ट आपको भूल गए होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट को हम हैंडल कर रहे हैं। बताना सब आपको ही है, बस मेरा हेल्प होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये समय पढ़ाने का नहीं है बेटा, सिर्फ आपसे पूछने का है। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल। ओ, अंजलि आ गई, गुड मॉर्निंग बेटा अंजलि। हाँ चलो, देखो ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटा। सभी बच्चों को पता होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में केवल सिंबल बी और ए का डिफरेंस है। वहाँ पे ई ए कॉस थीटा है, यहाँ पे बी ए कॉस थीटा है, वहाँ पे ई डी ए है, यहाँ पे बी डी ए है, और थीटा मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। फ्लक्स का यूनिट हम लोग बेबर जानते हैं, एम के एस में होता है बेटा। सी जी एस में इसका यूनिट क्या होता है, बस ये जाना जानना है बेटा। हाँ, अमित कहाँ रहते हो भाई, बहुत दिनों बाद हमको देखे हो। अमित बेटा, हमारी क्लास तो रेगुलर चल रही है, कैसे बहुत दिनों बाद देखे हो? हाँ, सी जी एस यूनिट क्या होती है बेटा इसकी? बच्चों, फ्लक्स का सी जी एस यूनिट क्या है? यस, वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चों का एकदम रेडी है। इसका सी जी एस यूनिट होता है मैक्सिबल। बिल्कुल बेटा, इसका सी जी एस यूनिट होता है मैक्सिबल होता है। और 1 वेबर बराबर किसके होता है बेटा? 1 वेबर किसके बराबर होता है? 1 वेबर बराबर किसके होता है बेटा? यस, वेरी गुड बच्चों, यस वेरी गुड। अच्छा, बाहर गया था अमित, बाहर गया था। अच्छा चलो, कोई बात नहीं बेटा। 1 वेबर बराबर बच्चों, 1 वेबर बराबर, यस आंसर आने लगा। 1 वेबर बराबर होता है 10^8 मैक्सिबल के होता है। बिल्कुल सही, 10^8 मैक्सिबल के होता है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है बेटा। चलो चलो, हमें थीटा जानना है बेटा, कि अगर इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो एंगल थीटा क्या होगा, जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है। अगर डॉट है तो थीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि थीटा कौन होता है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर बेटा हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से नॉर्मल बाहर की तरफ होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो इसमें थीटा कितना होगा? थीटा, हाँ गुड बेटा गुड, 180 होगा। बिल्कुल सही है, थीटा यहाँ 180 होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा डाउनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा है, सिंबॉलिक बनाए तो डाउनवर्ड है। एरिया वेक्टर हमारा ऊपर की तरफ है, बाहर है। दोनों के बीच का जो एंगल बन गया है वो थीटा क्या हो गया है? 180 हो गया। ऐसे यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। बिल्कुल बेटा, क्योंकि एरिया वेक्टर भी हमारा आउटवर्ल्ड है, आउटवर्ल्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा आउटवर्ल्ड है। दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना हो गया? 0 हो गया। गुड बेटा। चल, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि फ्लक्स कितने तरीके से चेंज हो सकते हैं। फाई बराबर बी ए कॉस थीटा है बेटा। अगर बी चेंज होगा तब भी फ्लक्स चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तब भी चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तब भी चेंज होगा। याद होगा क्लास में मैंने 3 प्रकार का क्वेश्चन कराए थे बेटा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, जब एरिया चेंज हो और थीटा चेंज हो। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितने तरीके से चेंज हो सकता है, बी के चेंज से, ए के चेंज से और थीटा के चेंज से। ये चार्ट याद होगा बेटा, चार्ट याद होगा, चार्ट तो नहीं भूला होगा,
कि अगर किसी सर्किट में करंट चेंज होगा तो बी चेंज होगा, तो फाई चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, सर्किट अगर क्लोज है तो इंड्यूज करंट पैदा होगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग बोल दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफिनीशन हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बोल दें तो फैराडे फर्स्ट लॉ आ जाता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर बोल दिया जाए बेटा तो ईएमएफ के बराबर होता है, वो फैराडे सेकेंड लॉ हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये चार्ट एकदम याद होगा बेटा, ये चार्ट हमेशा याद होगा। आई हमारा अगर चेंज होता है तो बी भी हमारा चेंज हो जाएगा बेटा, बी चेंज हो जाएगा, सब बहुत अच्छे से आपको एक एक बताया गया है, बी चेंज होगा और बी चेंज होगा तो फाई भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलो फैराडे सेकेंड लॉ भी आपको पता ही है बेटा कि ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी है, अगर यन टर्न के लिए है तो यन से क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ई बराबर हो जाता है, ये हो जाता है माइनस डी अपॉन डी टी हो जाता है और ये एन फाई हो जाता है। मेरा ये क्वेश्चन है बेटा कि एन फाई का कंबाइंड नाम क्या है, बच्चे एन फाई का कंबाइंड नाम क्या है, एन फाई का कंबाइंड नाम बच्चों क्या है? यस गुड, सब याद है बच्चों को, कहीं से कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। एन फाई का कंबाइंड नाम है फ्लक्स लिंकेजेज, बिल्कुल है, फ्लक्स लिंकेजेज नाम है। गुड बेटा, चलो इंड्यूस्ड करंट आई बराबर होता है ई बाई आर के होता है, इंड्यूस करंट ई बाई आर के होता है, अगर ई का मान रखा जाएगा तो ये बराबर हो जाता है माइनस एन अपान आर हो जाता है, और ये बन जाता है बेटा डी फाई अपान क्या आ जाता है, डी टी आ जाता है, ये हमारा आता है इंड्यूस करंट होता है। मैग्नीट्यूड में ले लिया जाता है क्योंकि मॉड में ले लिया जाता है, करंट निगेटिव नहीं होता है। इसके बाद इंड्यूस चार्ज की बात होती है, मेरा क्वेश्चन है जो इंड्यूस चार्ज क्यू है वो एन बाई आर है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, कुछ यहाँ पे वैकेंट है, यहाँ पे आप फिल कर दें बेटा, इंड्यूस चार्ज यहाँ पे क्या होगा, इसको फिल कर दें। यस गुड, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है, इसका क्वेश्चन भी कराए थे और बेटा नीट में भी आ चुका है, ग्राफिकल अप्रोच से नीट में आया था, q बराबर n बाई आर और यहाँ पर होता है d फाई होता है, बिल्कुल फ्लक्स का चेंज होता है, इसीलिए कहा जाता है जो इंड्यूस चार्ज होता है वो टाइम इंटरवल पे डिपेंड नहीं करता है, इंड्यूस चार्ज स्पीड पे भी डिपेंड नहीं करता है बेटा, बिल्कुल। चलें क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, करंट और समय में ग्राफ दिया हुआ है, करंट और समय में ग्राफ दिया हुआ है, क्वायल का रेजिस्टेंस 20 ओम है, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, तो चेंज इन फ्लक्स बताना है इसमें कितना होगा बेटा, चेंज इन फ्लक्स, फाइंड आउट चेंज इन फ्लक्स। हाँ संजना बिल्कुल बेटा, टाइम और स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, इस ग्राफ से चेंज इन फ्लक्स आपको बताना है बेटा। हम लोगों ने अभी ये पढ़ा है कि इंड्यूस चार्ज बराबर होता है एन बाई फाई डी फाई हो गया, ये इक्वेशन वन हो गया, हमें कहीं से क्यू लाना है, क्यू कौन होगा बेटा, एरिया कवर्ड होगा, बिल्कुल एकदम बच्चों एरिया कवर्ड होगा, तो क्यू बराबर क्या होगा, एक यहाँ पे ट्रेंगल बना है और एक क्या बना है, रेक्टेंगल हो गया, तो चार्ज बराबर क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रेंगल हो गया है,
एरिया ऑफ ट्रेंगल प्लस हो गया एरिया ऑफ क्या हो गया है, रेक्टेंगल आ गया बेटा। बराबर अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस हाइट हो गया 2 × 6 हो गया, और प्लस हो गया बेटा लेंथ ब्रेथ हो गया 2 हो गया और 6 हो गया। बराबर यहाँ से आ गया 6 हो गया, प्लस हो गया 12 हो गया, बराबर 18 हो गया। तो चार्ज का मान 18 हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, रेजिस्टेंस हमारा 2 हो गया, ये बन गया डी फाइव। यहाँ से डी फाइव बराबर कितना आ गया है, 18 अपान बेटा 5 आ गया है, ये बराबर हो गया है 3 हो गया है, और ये हो गया है 3.6 वेबर बेटा। क्लियर बच्चों? यस गुड, 3.6 गुड। चलो अमित बिल्कुल सही है, ट्रेपेजियम भी ले सकते हो आप, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा फ्लक्स आ गया जो आया बेटा चेंज इन फ्लक्स 3.6, और जो नीट में आया था वो ऐसे ट्रेंगल बना हुआ था, याद होगा बेटा ऐसे ट्रेंगल बना हुआ था। कोई भी करंट और समय का ग्राफ होगा, एरिया हम ले लेंगे और किसी भी अननोन वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। गुड, चले देखें जो EMF होता है डिफरेंट केसेस में, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है, बी चेंज होता है बेटा। तो मैंने बताया था कि तीनों बंदरों में से जो बंदर चेंज होगा उसी का चेंज करेंगे, बचे हुए को घर से बाहर फेंक दो। तो यहाँ पे ए कॉस थीटा बाहर हो जाएगा, देखो बी बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज है बेटा तो ए कॉस थीटा बाहर हो गया, डी बी अपॉन डी टी हो गया। इसी तरीके से अगर एरिया में चेंज होगा बेटा तो एरिया डी ए अपॉन डी टी होगा, बी कॉस थीटा बाहर हो जाएगा। और हमने वहाँ पे केस करके दिखाया था, सर्कुलर का केस करके दिखाया था बेटा कि अगर सर्कुलर है तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, और आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी आर अपॉन डी टी हो जाता है। और नीट में 2 बार क्वेश्चन भी आ चुका है बेटा, श्रिंक रेट के अनुसार नाम लिख के आया हुआ है। यहाँ पे अगर सर्कुलर लूप है तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। तो ई बराबर हम लोगों ने सॉल्व किया था बेटा, बी कॉस थीटा हो गया, डी अपॉन डी टी हो गया, एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर। याद करो बच्चों हमने इसको बनाया था, अगर यन टर्न है तो यन से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी एन कॉस थीटा हुआ था, और ये आया था बेटा 2 पाई आर आया था, और बन गया था डी आर अपॉन डी टी आया था। इस तरीके से EMF पूरा हमारा आया था, शायद एक बार आपको फिर याद आ गया होगा। कोई बच्चा इसको रट के एग्जाम में नहीं लेके जाएगा, तुरंत बना लेगा वहाँ पे, क्योंकि रटने में खतरा हो सकता है, कुछ भी छूट सकता है बेटा। याद होगा डी आर अपॉन डी टी को हमने क्या कहा था, श्रिंक रेट कहा था बेटा, ये हमने कहा था श्रिंक रेट इसको बोला था बेटा, कि ये कौन है, श्रिंक रेट है डी आर अपॉन डी टी, शायद याद आ रहा होगा 100%। चलें क्वेश्चन यहाँ से करके दिखाएं बेटा। एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस 2 मीटर है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें 10 है, मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बैरी कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना EMF प्रोड्यूस होगा ये बताना है बेटा। हाँ बिल्कुल, श्रिंक रेट, हाँ। अब भूलने का कोई ऑप्शन अपने पास है ही नहीं बेटा, हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि अब एग्जाम आज 5 जून है बेटा, और एग्जाम एकदम सर पे आ चुका है, अब भूलने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ किशन कोई बात नहीं बेटा, अभी समय है। मैग्नेटिक फील्ड आप डी बी अपॉन डी टी निकालोगे, वेरिएशन समय के साथ है, यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है समय के साथ बेटा। तुरंत हम लोग का सोल्यूशन क्या आ जाएगा, ये बराबर हो गया, ई बराबर हो गया, माइनस एन ए कॉस थीटा हमारा बाहर हो गया बेटा, और ये हो गया यहाँ से डी बी अपॉन डी टी हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से डी बी अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, बराबर हो गया 0 प्लस कितना हो गया 12 टी हो गया, तो ये बराबर हो गया, माइनस हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे दिया हुआ 10 दिया, एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया बेटा, कॉस 180 हुआ है क्योंकि थीटा परपेंडिकुलर है बेटा, डी बी अपॉन डी टी कितना हो गया 12 टी के हो गया, बराबर हो गया यहाँ से माइनस, पाई को बाहर ले लेते हैं, ये हो गया 10 हो गया, आर का मान 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 12 टी का मान 1 हो गया, यहाँ से सीधा पाई हो गया बेटा 12 हो गया, ये 4 हो गया 40, 480 हो गया बेटा, सीधा आ गया 480 पाई बोल्ट। क्लियर है बच्चे? ओके,
480 पाई बेटा, बिल्कुल हाँ। एन भी 10 है, एन का मान 10 है बेटा, तो कितना हो गया, सबका मल्टीप्लाई कर दिया गया तो कितना आ गया, 480 पाई हो गया। बस सब कराया गया है बेटा, इतने एग्जाम्पल क्लास में कराए हैं, बस यहाँ पे याद दिलाने के लिए एक एक हम ले रहे हैं, आप बस देख लो फटाफट, जिससे कोई बहुत समय ना लगे और क्लास एंड हो, आप दूसरा पढ़ें। चलें, लेंज ला में बेटा किसका कंजर्वेशन होता है, लेंज ला में किसका कंजर्वेशन होता है, लेंज ला किसके कंजर्वेशन को शो करता है। यस वेरी गुड, लेंज ला एनर्जी के कंजर्वेशन को शो करता है। सारे बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है, ये हमेशा एनर्जी के कंजर्वेशन को शो करता है बेटा। लेंज ला में डायरेक्शन हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, एक डायरेक्शन होता है बेटा कि हम लोग किससे देखते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से देखते हैं, ये हमारा मोशन ऑफ कंडक्टर होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये इंड्यूज करंट का डायरेक्शन होता है। हमने कहा था बेटा हैंड का प्रयोग हम लोग जल्दी नहीं करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन में हम लोग मेन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। याद आ रहा है वो कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने कहा था अगर किसी सिस्टम में फ्लक्स बढ़ेगा तो मेरा अपोज होगा, किसका अपोज होता है, इनिशियल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। बच्चों याद होगा मैंने कहा था इसका प्रयोग बहुत कम करेंगे हम लोग, जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं करेंगे, ये मोशन ऑफ थंब कंडक्टर होता है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये इंड्यूज करंट का डायरेक्शन होता है। बहुत अगर हम लोगों को ऐसा कोई केस है जो बहुत इजीली आ जाता है तो इसमें प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं प्रयोग करेंगे। हम लोग केवल दो का प्रयोग करेंगे कि अगर किसी दिए गए सिस्टम में फ्लक्स का मान अगर बढ़ता है या फ्लक्स का मान घटता है, हम लोग इससे चेक करेंगे। फ्लक्स का घटना और बढ़ना डिपेंड करेगा बी ए कॉस थीटा पे, बी बढ़ेगा घटेगा तब भी फ्लक्स चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तब भी चेंज होगा बेटा, और थीटा चेंज होगा तब भी चेंज होगा। और मैंने यही सिखाया था बेटा कि अगर किसी सिस्टम में फ्लक्स बढ़ रहा है तो इनवर्स करंट यानी मेरा अपोज होगा, किसका अपोज होता है बच्चों, इनिशियल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। याद होगा किसका अपोज होता है, इनिशियल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का अपोज होता है। और अगर किसी सिस्टम में फ्लक्स बढ़ता है तो मेरा हेल्प होगा, हेल्प भी किसका होगा, इनिशियल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का इनिशियल नेचर दो हो सकता है, या तो क्रॉस या तो डॉट होगा बेटा, तो हेल्प करने वाला डॉट का डॉट ही रहेगा, क्रॉस का क्रॉस रहेगा और अपोज करने वाला रिवर्स हो जाएगा। शायद एकदम याद होगा बेटा, यहाँ पे देखो मैंने एक बार दिखा भी दिया है कि अगर किसी सिस्टम में फ्लक्स बढ़ेगा तो इनवर्स करंट या अपोज होगा, किसका अपोज होगा, इनिशियल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का अपोज होगा बेटा, एकदम आपके जबान पे होगा। दसों केस मैंने कराया था बेटा और सब की प्रैक्टिस कराए थे, और आप उस समय फटाफट आंसर देखते थे देख के बेटा। दूसरा था अगर फ्लक्स घटेगा तो डायरेक्ट करंट यानी हेल्प होगा, किसका हेल्प होगा बेटा, इनिशियल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। तो चलो ये सब तो एकदम आपको प्रिंट होगा दिमाग में बेटा, क्योंकि ऐसी कोई पढ़ाई नहीं कराई गई है कि प्रिंट ना हो। चलें केस बताएं, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस केस में घट रहा है बेटा, इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ल्ड है, अगर घट रहा है तो इस लूप में इंड्यूज करंट का डायरेक्शन बताएं। हाँ अंजलि क्वेश्चन आ गया बेटा, करो। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूज करंट कैसा होना चाहिए, फटाफट सारे बच्चों को बेटा टिक लगाना है देख के, बिल्कुल सोचना नहीं है। सोल्यूशन क्या हो गया है, बी का मान डिक्रीज कर रहा है, पक्का फ्लक्स घटेगा बेटा, फ्लक्स घटेगा तो मेरा हेल्प होगा, हेल्प किसका होगा, इनिशियल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेटा, इनिशियल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का होगा, इनिशियल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इनिशियल नेचर मैग्नेटिक फील्ड का कैसा है, क्रॉस है, क्रॉस का मतलब बच्चों हो गया क्लॉकवाइज हो गया, तो इसका मतलब इंड्यूज करंट का डायरेक्शन भी कैसा होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा बेटा इंड्यूज करंट का डायरेक्शन। एक दो बच्चों का एंटी क्लॉक हो रहा है, वो बेटा सही करें।
मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर गया, फ्लक्स घट जाएगा, फ्लक्स घटेगा तो मेरा हेल्प होगा, किसका हेल्प होगा बेटा, इनिशियल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिए गए पिक्चर में इनिशियल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्लॉक वाइज होता है, तो हेल्प करने वाला भी कैसा होगा बेटा, क्लॉक वाइज होगा। सारे बच्चे देख के टिक मार दिए बेटा, एक दो बच्चों का गलत है, वो भी देखो चेक कर लें और दोबारा गलत ना होने पाए। चलें, इस लूप में इंड्यूज करंट का डायरेक्शन बताना है बेटा। यहाँ पे एक तार है, तार में करंट हमारा डिक्रीज कर रहा है, ये लेफ्ट से राइट में करंट फ्लो हो रहा है और करंट हमारा डिक्रीज कर रहा है बेटा, तो इस लूप में इंड्यूज करंट का डायरेक्शन क्या होगा? भगवती बेटा एकदम आपने हिंदी लिखा, दक्षिणावर्त। हाँ दक्षिणावर्त। अच्छा बच्चों का आंसर आ रहा है एंटी क्लॉक वाइज। अच्छा चलो भाई देखते हैं एंटी क्लॉक वाइज। सबसे पहले क्या देखना होगा बेटा, करंट घट रहा है तो फ्लक्स घटेगा बेटा, अगर करंट घट रहा है तो फ्लक्स हमारा घटेगा बेटा, फ्लक्स घटेगा तो इसका मतलब मेरा हेल्प होगा, किसका होगा, इनिशियल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो इसमें करंट है बेटा, इसके कारण लूप पे मैग्नेटिक फील्ड का इनिशियल नेचर देखो बेटा, क्योंकि विदाउट इनिशियल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्लॉक एंटी क्लॉक की बात नहीं कर सकते हैं। तो देखो अगर हम यार इसके कारण यहाँ पर करंट का डायरेक्शन देखें, देखो हाथ रख के देखें बेटा, तो ये थंब का डायरेक्शन इधर है, ये खुला पाम होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिख रहा है, डॉट दिख रहा है, सभी बच्चों को मैग्नेटिक फील्ड डॉट दिख रहा है, यानी आई का मान डिक्रीज कर रहा है, गारंटी बेटा फ्लक्स का मान घटेगा। अगर फ्लक्स का मान घट रहा है तो क्या होगा बच्चे, मेरा हेल्प होगा, हेल्प किसका, इनिशियल नेचर का, और मैग्नेटिक फील्ड का इनिशियल नेचर बच्चे कैसा दिख रहा है भाई, इनिशियल नेचर एंटी क्लॉक वाइज है, तो हेल्प करने वाला भी कैसा चलेगा, एंटी क्लॉक वाइज चलेगा। यस बिल्कुल सारे बच्चों को एकदम मस्त याद है बेटा, कुछ भी भूले नहीं है, तो इंड्यूज करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज। चलें भाई दूसरे केस में देखें, करंट इधर की तरफ फ्लो हो रहा है बेटा और करंट कांस्टेंट है, तो लूप में इंड्यूज करंट का डायरेक्शन बताएं। करंट राइट से लेफ्ट में जा रहा है बच्चों, राइट से लेफ्ट में जा रहा है। धोखा धोखा धोखा। हाँ बड़ा वाला धोखा बच्चों, बड़ा वाला धोखा, अंजलि बड़ा वाला धोखा बेटा, किशन पाठक बड़ा वाला धोखा, यस बड़ा वाला धोखा बेटा, बड़ा वाला धोखा भाई, सारे बच्चे धोखे में आ गए हैं, मामला गड़बड़ चल रहा है। मामला गड़बड़ है बेटा, चार्ट भूल रहा है, आई चेंज तो बी चेंज तो फ्लक्स चेंज बेटा, और हमारा आई कांस्टेंट है बेटा, आई कांस्टेंट है तो फ्लक्स में चेंज ही नहीं होगा, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ नहीं पैदा होगा और कोई इंड्यूज करंट नहीं होगा। बिल्कुल बेटा, अगर आई हमारा कांस्टेंट होगा, क्लियर बच्चे? हाँ कई बच्चे धोखा खा गए, आई कांस्टेंट तो पक्का है भाई, फाई कांस्टेंट होगा, और फाई कांस्टेंट हो गया तो ई बराबर डी फाई अपॉन डी टी होता है, बराबर जीरो हो गया, अगर ई का मान जीरो हो गया बेटा तो इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा बेटा, बैटरी ही नहीं है तो करंट कहाँ से होगा भाई, नो इंड्यूस्ड करंट, तो इंड्यूस्ड करंट नहीं बनेगा, यानी इसमें नो करंट। बिल्कुल गुड बेटा, कुछ बच्चे धोखा खाए सडनली संभल गए, चलो भाई। हाँ बच्चों धोखा मिल गया ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों हैदर हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया था,
और मैंने कम से कम 20 मिनट अपना डिस्कस किए थे और हम बोल बोल के थक गए थे। इसीलिए आज इस क्वेश्चन को मैंने फिर से लिया कि जितनी गलती आप कर सकते हैं एक बार फिर कर लीजिए, जिससे बेटा 17 जुलाई को गलती ना होने पाए। इन केस ऑफ फ्री फॉल मैग्नेट, इन केस ऑफ फ्री फॉल मैग्नेट, जब ये मैग्नेट बेटा कॉयल की तरफ जा रहा है नॉर्थ पोल, तो इसमें इंड्यूज करंट का डायरेक्शन बता दें, इंड्यूज करंट का डायरेक्शन बता दें। ओ, सारे बच्चों को याद है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। नॉर्थ पोल अगर आ रहा है तो बेटा लेंज ला के अनुसार बेटा ये अपना चेहरा कैसा बना लेगा, नॉर्थ बना लेगा, जो आते हुए नॉर्थ पोल का अपोज करेगा बेटा, क्योंकि याद होगा लेंज जी अपोज ही करते हैं। आपको कहानी भी सुनाए थे बच्चों कि फादर का द्वारा लाया गया चॉकलेट बेटा आपको याद होगा, भूला नहीं होगा। तो अगर नॉर्थ पोल आएगा तो ये अपना चेहरा कैसा बनाएगा बच्चों, नॉर्थ बना लेगा, नॉर्थ बना लेगा। इसका मतलब हो गया, नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉक हो गया। इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा बना बेटा, एंटी क्लॉक वाइज। अब मैग्नेट इसके अंदर से ऐसे पास करेगा और दूर जाएगा बेटा। जब मैग्नेट दूर जाएगा तो देखो इस पे बहुत डिस्कशन हुआ था, बहुत ज़्यादा डिस्कशन बच्चों, याद होगा बहुत डिस्कशन हुआ था। सबसे पहले बच्चों ने इसको क्या बनाया था, एंटी क्लॉक वाइज बनाया था। याद होगा बेटा कि जब ये मैग्नेट दूर जाएगा कॉयल से बेटा, अबे फ्राम दोनों एक है, मैग्नेट पास आया, मैग्नेट दूर जा रहा है बेटा, जब दूर जाएगा तो साउथ पोल इससे दूर जाएगा। अब ये दूर जाने का अपोज करेगा बेटा, तो अगर पहले एंटी क्लॉक वाइज है तो अब कैसा हो जाएगा, क्लॉक वाइज हो जाएगा। और याद करो बेटा इस पे हम लोग बहुत डिस्कशन किए थे और अंत में सब कुछ सही हो गया था। काफ़ी समय के बाद बच्चों को समझ में आया था कि हम गलती कहाँ कर रहे थे। तो एंटी क्लॉक का उल्टा क्या होगा, क्लॉक वाइज होगा बेटा, तभी हम अपोज की बात कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लॉक वाइज। एकदम मस्त, क्लियर बेटा? हाँ, विजय क्लियर एकदम बेटा, ओके गुड। चलो नेक्स्ट है बेटा, आपको बताना है कि अगर कोई कंडक्टर मूव करता है, तो हमने सिखाया था बेटा कि अगर कोई कंडक्टर मूव करेगा तो एक बैटरी की तरीके से बिहेवियर करेगा, उस बैटरी का मैग्नीट्यूड आपको बताना है। दूसरा, इसमें कौन सा एंड पॉजिटिव टर्मिनल होगा बैटरी का और कौन सा निगेटिव होगा, क्योंकि ये तो गारंटी है बेटा कि अगर कंडक्टर मूव करेगा लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी बेटा, तो एक बैटरी की तरीके से बिहेवियर करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड आपके जबान पे होगा बेटा। मेरा उद्देश्य ये है, आपको ये बताना है बेटा कि इसमें कौन एंड पॉजिटिव होगा, कौन निगेटिव होगा। याद होगा मैंने सिखाया था बेटा, कोई दुनियादारी मत करो, दो सवारी होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, दोनों को बैठाया करो बेटा, और जिधर इंजन चलेगा उधर सवारी भी चलेगा। पॉजिटिव को देखा करो, निगेटिव उसका उल्टा हो जाएगा, और जो लंबाई लिया जाता है बेटा वो एंड से एंड लिया जाता है। याद होगा सेमी सर्कल का केस आया था, नीट में भी आ चुका है बेटा, और आप लोग सही आंसर दिए थे। यस, तो सारे बच्चे एकदम सही बता रहे हैं। ई का मान बेटा हमें पता है, बी बी एल होता है, एल कौन होता है, एंड टू एंड लेंथ होता है बेटा, क्लियर है। यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा, इसके लिए बच्चों हमें दो सवारी बैठाना होगा, एक सवारी पॉजिटिव होगा। तुरंत इस पर हम देखेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे तुरंत हाथ रखेंगे बेटा, मैग्नेटिक फोर्स इस पर कहाँ दिख रहा है, ऊपर की तरफ दिख रहा है। ऊपर अगर दिख रहा है तो ऊपर का एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बेटा, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, ये वाला पॉजिटिव हो गया, तो नेचुरल है निगेटिव कहाँ होगा, नीचे होगा। इसका मतलब हो गया बी क्यू ग्रेटर देन बी पी हो गया, तो इसको पढ़ा जाएगा बेटा बी क्यू माइनस बी पी बराबर हो गया बी बी एल के हो गया। और बहुत अच्छे ढंग से बेटा इसको बताए थे कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को फॉलो करता है बच्चों, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को फॉलो करता है। इन तीनों बंदरों में से कोई भी दो बंदर
आपस में अगर पैरेलल होते हैं तो उस केस का ईएमएफ हमेशा जीरो होगा। शायद एकदम सब कुछ जबान पे आपके होगा बेटा, शायद भूला नहीं होगा, कोई केस छोड़ा नहीं गया है। चलो एकदम क्लियर है, इसका ईएमएफ बता दो बेटा कितना होगा इस केस का। ये रॉड है बेटा जिसकी लेंथ यल है और बी वेलोसिटी से ये मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर की तरफ जा रहा है बेटा, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। हाँ बिल्कुल बेटा फेरोस एकदम सही है, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा बच्चों। ओ सारे बच्चे कुछ लिख रहे हैं कि इसका आंसर जीरो होगा, बिल्कुल सही है बच्चों, आपने एकदम कैच किया है, क्योंकि लंबाई और वेलोसिटी दोनों पैरेलल हैं। और एकदम रिजल्ट है कि अगर दो बंदर, तीनों में से कोई भी, तीन बंदर होते हैं, वेलोसिटी, लंबाई और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों में से कोई भी दो पैरेलल होंगे बेटा, तो उसके द्वारा जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बिल्कुल बच्चे ईएमएफ जीरो हो जाएगा, इसका कारण होगा बेटा, बिल्कुल एकदम मस्त बेटा, बिकॉज ये बनेगा जो हमारा वेलोसिटी है एंड जो लंबाई है बेटा, ये कैसे हैं, पैरेलल हैं, और पैरेलल, गुड। चल इसमें बताना है बेटा कौन सा एंड पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, और ईएमएफ तो फाइनल है बेटा, ईएमएफ तो सोचने नहीं है, ईएमएफ का आंसर तो एकदम गुड है, यहाँ सोचने की ज़रूरत ही नहीं बेटा। ईएमएफ की बात किया जाए तो ईएमएफ हमारा तो आ गया है, बीबीएल आया है। केवल मेरा ये इंटरेस्ट है बेटा कि इसमें कौन टर्मिनल पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है, यानी हायर और लोअर कौन है। पूजा नायडू बेटा, पूजा कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पूजा ये बहुत क्लास में डिस्कस हुआ है, पूजा जो मैग्नेट का फ्री फॉल है, ये केस क्या है बेटा कि जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्वाइल के तरफ, पूजा ध्यान से सुनो बेटा, लेंज ला को फॉलो कराना है, तो जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्वाइल के तरफ आएगा बेटा, तो क्वाइल अपना चेहरा ऐसा बना लेगा कि नॉर्थ के आने का अपोज करेगा, यानी एंटी क्लॉक होगा। ये दोनों सिस्टम एक है पूजा, अगर क्वेश्चन में अलग अलग की बात किया जाए, कि केवल मैग्नेट के आने की बात किया जाए, बस भूल जाया जाए तो एंटी क्लॉक, और केवल एक सिंगल क्वेश्चन पूछा जाए कि क्वाइल ऐसे बना है और मैग्नेट का साउथ पोल दूर जा रहा है बेटा, तो वहां पे एंटी क्लॉक हो जाएगा। पूजा खूब अच्छे से क्लियर कर लो बेटा, इस पे बहुत डिस्कस हुआ था, ये दोनों एक चीज हैं पूजा, ये दोनों एक हैं। मैग्नेट के अंदर बेटा, जैसे ले लो मैग्नेट है बेटा, ऐसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल आ रहा है, पूजा देखो मैग्नेट का नॉर्थ पोल आ रहा है, इसके अंदर गया बेटा और फिर देखो ये बाहर निकल रहा है, तो दोनों एक प्रक्रिया है, दोनों एक प्रोसेस है बेटा, ध्यान रखना। अगर यही क्वेश्चन पूजा अलग से पूछ लिया जाए, ये वाला केस ना दिया जाए, इसके साथ इसको इंक्लूड ना किया जाए, ये वाला अकेले पूछ लिया जाए कि साउथ पोल दूर जा रहा, केवल यही पिक्चर बना दे एग्जामिनर बस, और कहे इसमें इंड्यूज करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो बेटा नॉर्थ बनेगा, यानी अगर ये साउथ पोल दूर जा रहा है बेटा, तो क्वाइल अपना चेहरा नॉर्थ बनाएगा, जो साउथ के जाने का अपोज करेगा बेटा लेंज के अनुसार, तो करंट इसमें एंटी क्लॉक हो जाएगा बेटा। लेकिन चूंकि दोनों केस एक हैं, तो लेंज ला को फॉलो कराना है, तो आते हुए अगर एंटी क्लॉक है, तो दूर जाते हुए बेटा क्लॉक कराना है। पूजा नायडू क्लियर हुआ बेटा, पूजा नायडू क्लियर हुआ बेटा, पूजा क्लियर हुआ बेटा। अगर एक ही प्रोसेस को पढ़ा जाएगा बेटा, दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे बेटा, ये टूवर्ड्स और अबे फ्रॉम एक साथ है बेटा, तब ये होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में केवल अकेले इसकी बात किया जाएगा, तो बेटा ये कौन बनेगा, एंटी क्लॉक, ध्यान रखना। चलो कौन इसमें हायर है बेटा, कौन लोअर है, अमर सर अगर साउथ के अपोजिट करना है तब तो एंटी क्लॉक होना चाहिए ना, बिल्कुल अमर
यही तो मैं समझा के बेटा उस दिन भी थक गया था, फिर आज मैं कह रहा हूँ। और अभी 5 बार अमर अभी मैंने बोला बेटा कि मैग्नेट का आना और मैग्नेट का जाना अगर एक प्रोसेस में पढ़ोगे बेटा, तो अगर आते समय एंटी क्लॉक है तो जाते समय क्लॉक वाइज करना होगा। अगर ऐसा नहीं है बेटा तो लेंज ला को फॉलो नहीं कर रहे हैं आप। लेकिन अगर क्वेश्चन में पहले केस का आते हुए का जाते हुए से कोई रिश्ता नहीं है बेटा, केवल पूछ लिया गया कि एक क्वायल है साउथ पोल दूर जा रहा है, तब बेटा एंटी क्लॉक होगा। अगर पहले का दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है तो बेटा ध्यान रखना। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता है कि ये दोनों को एक साथ पढ़ाता है बेटा कि मैग्नेट क्वाइल के अंदर फ्री फॉल गिर रहा है, तो आने और जाने का यानी पास आने का और दूर जाने का कैसा होगा बेटा, तो अगर एक में एंटी क्लॉक है तो अपोज करने वाला क्लॉक वाइज होगा अमर, ध्यान रखना बेटा। हाँ तो चलें, वहाँ भी बहुत डिस्कस किया गया था बेटा और खूब आया था बेटा, आप लोगों ने सब सीखा था। हमने क्या सिखाया बेटा कि एक पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव को देखो बी वेलोसिटी से ऐसे चला दो बेटा, तुरंत ऐसे हाथ रखो, फोर्स का डायरेक्शन देखो कहाँ हो गया, इधर की तरफ हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स हो गया, यानी क्यू एंड हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया बेटा। तो पी एंड क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या दिख रहा है, बी क्यू इज ग्रेटर देन बी पी हो गया, तो क्या बन गया बी क्यू माइनस बी पी बराबर कितना हो गया, बी बी एल के हो गया बेटा। तो ये बन गया हमारा बी बी एल, बी क्यू माइनस बी पी बराबर हो गया वी बी एल। फेरोस बता दिए बेटा, फेरोस बता तो दिए। हमने क्या सिखाया बेटा कि तुरंत दो सवारी होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, मैग्नीट्यूड तो बीबीएल फिक्स है बेटा, जिधर इंजन जाता है तुरंत सवारी को बैठा दो, सिर्फ एक पॉजिटिव सवारी बैठाया करो। ये देखो तुरंत ऐसे लेफ्ट हैंड लिया करो बेटा, ये हमारा ध्यान से देखें, ये हमारा कंडक्टर के चलने का डायरेक्शन होता है बेटा, आप मैग्नेटिक फोर्स निकालना जानते ही हैं। तुरंत देखो हाथ रखा गया, ये करंट के चलने का डायरेक्शन यानी पॉजिटिव हो गया, तुरंत फोर्स इधर आ गया, ये पॉजिटिव बन गया बेटा। चल ये क्वेश्चन है एक बेटा, ये वायर है, इसकी लंबाई L1 है और इसकी लंबाई L2 है, ये बेटा 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री का बना रहा है और ये बी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो इसका नेट ईएमएफ पूरे सिस्टम का क्या होगा बेटा। अंजलि नहीं, कॉस नहीं, अंजलि कॉस नहीं बेटा, कॉस नहीं, अंजलि भूल रहा है, कॉस नहीं बच्चे, कॉस नहीं, अंजलि भूल रहा है बेटा। शिवानी चौहान, सर आप डायरेक्शन कैसे देख रहे हो, भूल रहा है मुझे। चलो बेटा शिवानी मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ बेटा, देखो शिवानी पहले क्लियर कर लो बेटा कि सर आप डायरेक्शन कैसे देखते हो। शिवानी चलो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, शिवानी यहाँ से देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन है, एक ये रॉड है, रॉड देखो बी वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दो बेटा, शिवानी देखो ये भी बी वेलोसिटी से जाएगा। अब शिवानी ये लेफ्ट हैंड लो, शिवानी लेफ्ट हैंड लो बेटा, लेफ्ट हैंड की ये तीन उंगलियाँ लो बेटा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये पॉजिटिव के चलने का डायरेक्शन यानी करंट होता है, और ये वाली उंगली बेटा फोर्स होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। या तो बेटा वेक्टर से खेल लो या जनरल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है शिवानी, ये हमारा प्लस के या करंट का डायरेक्शन होता है, ये फोर्स होता है। तो देखो प्रैक्टिकल देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, मैंने मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड ले लिया बेटा, शिवानी क्लियर करो, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड ले लिए, ऐसे देखो उंगली को घुमा दो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर दो, शिवानी देखो ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया, ये प्लस के चलने का डायरेक्शन हो गया बेटा, देखो ये प्लस के चलने का डायरेक्शन, फोर्स देखो इधर की तरफ हो गया। शिवानी अपनी उंगली लो बेटा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया, ये हमारा प्लस के चलने का डायरेक्शन, ये फोर्स बन गया बेटा, प्रैक्टिकल उंगली दिख रही होगी देखो, तो ये हमारा फोर्स देखो बेटा,
फोर्स अगर दिख रहा होगा बेटा तो यहाँ से ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट हो गया, जैसे मैंने हाथ से दिखाया, हाथ दर्द करने लगा बेटा, ये प्लस के चलने का डायरेक्शन हो गया और फोर्स देखो शिवानी ऊपर की तरफ लग गया बेटा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखते हैं बेटा, कोई बात नहीं आपको भूल गया है मैंने इसीलिए बता दिया बेटा। शिवानी क्लियर हुआ? इस वाले पर शिवानी ले लो बेटा, इस वाले पर फिर यही कर लो, मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ल्ड है बेटा, उंगली बोर्ड के अंदर डिप कर दो और ये प्लस के चलने का डायरेक्शन है बेटा। देखो फोर्स इधर की तरफ आ गया, देखें इसमें भी बेटा फोर्स इधर की तरफ आ गया, अंगूठा फोर्स का डायरेक्शन होता है, ये प्लस के चलने का डायरेक्शन होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। ओके बेटा चलो गुड। हाँ चलें भाई इसको देखें। हाँ अंजलि हाथ दर्द करने लगा बेटा, वेक्टर से खेलो तो बेटा हाथ की जरूरत ही नहीं है, तो अगर वेक्टर भूल जाए बेटा तो इसमें क्या था, प्लस था, कहाँ प्लस नीचे की तरफ आ रहा था, तो बेटा जो वेलोसिटी था वो माइनस जे में था, मैग्नेटिक फील्ड माइनस के में था, डायरेक्ट भी डायरेक्शन आप निकाल सकते हो बेटा। हाँ अंजलि अब आया, याद आया बेटा, अंजलि अब याद आया, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। बच्चों याद होगा कि मैंने सिखाया था कि ई एम एफ बी बी एल के बराबर होता है तीनों में से कोई भी, यानी चाहे वेलोसिटी हो चाहे लंबाई हो, किसी एक को जिसका एंगल दिया होगा उसको बच्चे रिजॉल्व कर लिया करो। यहाँ लेंथ 30 डिग्री बना है बेटा तो L1 को रिजॉल्व कर लो, L2 देखो 60 डिग्री बना है L2 को रिजॉल्व कर लो बेटा। रिजॉल्व करने पर केवल बेटा साइन थीटा का कंपोनेंट लिया जाता है बच्चे, रिजॉल्व करने पर साइन थीटा का कंपोनेंट लिया जाता है केवल, तो क्या होगा L1 साइन 30 और L2 cos साइन 60 बनेगा बेटा। तो इसका नेट EMF क्या हो जाएगा, अगर हम L1 की बात करें तो L1 का लिया जाएगा L1 साइन 30 हो जाएगा बेटा, ऐसे अगर L2 की बात करें तो ये हो जाएगा L2 साइन 60 हो जाएगा, और नेट EMF क्या हो गया, अगर इसका EMF E1 हम मान लें और इसका E2 मान लें बेटा, तो नेट EMF की बात क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। यहाँ से E1 बराबर हो जाएगा BB L1 साइन 30 हो गया बेटा, और E2 की बात करें तो VB L2 साइन 60 हो गया। जब सबका मान रखोगे जो आए उसको सॉल्व कर लो बेटा, यहाँ से BV कॉमन ले लो, ये हो गया L1 साइन 30 हो गया प्लस हो गया L2 साइन 60। याद होगा बताया गया था बेटा कि हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट लोगे, बी का मान 20 है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा 10 दिया हुआ है, ये हमारा 10 है बेटा, L1 का मान 1 है, साइन 30 हाफ है, L2 का मान हमारा भी 1 दिया है, तो ये हो गया 1 साइन 60 हो गया बेटा। बराबर यहाँ से हो गया 200 हो गया 1/2 प्लस हो गया √3/2 हो गया, यहाँ से ये 100 हो गया है और ये 1 प्लस √3 हो गया है, सॉल्व कर लेना बेटा, ये हो गया 1 प्लस 1.73 हो गया है, बराबर हो गया बेटा 100 × हो गया है 2.73 बराबर हो गया 273 वोल्ट। बच्चों क्लियर है ना? ओके बच्चों कोई डाउट तो नहीं? हमेशा कौन सा कंपोनेंट लेना है बेटा, हमेशा चाहे लंबाई का हो चाहे वेलोसिटी का हो, हमेशा साइन कंपोनेंट लेना है और उसको रिजॉल्व करना है जो एंगल बनाता हो बेटा, बस यही सिंगल ट्रिक है, और ईएमएफ का मान तो बीबीएल होता ही है साइन थीटा बेटा। गुड चल जल्दी से इसका आंसर बता दें, बीपी माइनस बीक्यू चाहिए बेटा, बीपी माइनस बीक्यू चाहिए।
बराबर हो गया बेटा। यहाँ पे हम वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे, यानी बी को क्या पढ़ा जाएगा बेटा, बी को पढ़ा जाएगा बी साइन 60 पढ़ा जाएगा। तो ये हो जाएगा, सीधा आ गया बेटा हमारा कितना आ गया है, बी साइन 60 आ गया और बी एल हो गया है। तो बराबर हो गया, वेलोसिटी 6 है, ये हो गया साइन 60 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हमारा बेटा 20 है, लंबाई हमारा 2 हो गया। तो ये हो गया है 120 अंडर रूट 3 बेटा, बिल्कुल बोल्ट, गुड, 120 अंडर रूट 3 बोल्ट। तो एकदम क्लियर हो गया होगा, जिन बच्चों को भूल भी गया रहा होगा वो क्लियर कर लें कि जिसका बेटा एंगल बनेगा उसी को रिजॉल्व किया जाएगा। ज़रूरत होने पे वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे, ज़रूरत होने पे लंबाई को रिजॉल्व करेंगे, जिससे एंगल होगा उसको रिजॉल्व करेंगे, लेकिन हमेशा कंसीडर कौन किया जाएगा, साइन वाला एंगल कंसीडर किया जाएगा बेटा, गुड। चल, बहुत अच्छे से याद होगा बेटा कि अगर कोई रॉड रोटेट करता है, अगर कोई रॉड रोटेट करता है तो रोटेशन के कारण कितना EMF होगा। याद होगा मैंने सिखाया था बेटा कि अच्छे न्यूमेरिकल्स करने के लिए आप ये वाला याद रखना, बच्चों याद होगा मैंने सिखाया था अच्छे न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आप ये वाला याद रखना बेटा। बहुत अच्छे से जो फिक्स्ड एंड होता है बेटा वहाँ से उसको ओरिजिन माना जाता है, फिक्स्ड एंड को ओरिजिन माना जाता है, और जहाँ से टोटल लंबाई होता है वो उसकी फाइनल लेंथ मानी जाती है बेटा। ये भी याद होगा बेटा कि इसको एक छोटा सा पार्ट ऐसे बनाया गया था, ये हमारा छोटा सा पार्ट DR था, और यहाँ से लंबाई कितनी हो गई थी, R हो गई थी। तो इस DR का छोटा सा EMF DE था बेटा, इंटीग्रेट किया जाएगा B ओमेगा अंडर रूट सॉरी 0 से L R DR। मैंने कहा था इसको याद रखा करो, बार बार न्यूमेरिकल्स जितना करोगे इसी का यूज होगा। जो बच्चा नकली करता है वो फंस जाता है, जब इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा एल स्क्वायर अपान 2। और हम लोग इसको कैसे याद रखते हैं, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर याद रखते हैं। तो इसको भी याद कर सकते हो बेटा, लेकिन जब दो पार्टों में न्यूमेरिकल दे देगा, इतनी लंबाई 1/4 और इतना लंबाई 5/4 देगा, इसको फिक्स कर देगा बेटा, तो आप फंस जाओगे। इसीलिए प्यारे बच्चे इसको याद रखो, यही बार बार जरूरत होगा और ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आ ही जाता है बेटा, ठीक है ना। हाँ रजत, नहीं बेटा माइनस का कोई यूज नहीं है, माइनस का कोई यूज नहीं बेटा है, ये हमारा हायर पोटेंशियल, ये लोअर होगा बेटा। अगर हम इसको एग्जैक्ट बनाएं तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसको P, और इसको अगर नाम Q दे दें तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी B वेलोसिटी से चलेगा बेटा। तो निश्चित है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा BP माइनस BQ हो जाएगा, BQ माइनस BP ये हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, हाथ रख के देखो, और ये एंड क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये बनेगा BQ माइनस BP बराबर क्या हो जाएगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बनेगा बेटा, बिल्कुल। चलें क्वेश्चन से खेले बेटा, एक रॉड था जिसको हमने यहां से घुमाना शुरू किया बेटा, ये रॉड था ऐसे मैंने पकड़ लिया है बच्चों, ऐसे मैंने पकड़ लिया है और ये रॉड ऐसे ऐसे घूम रहा है बेटा, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ये वाली लेंथ एल बाई फोर है और बची हुई लेंथ बेटा 3L/4 है, ऐसे मैंने पकड़ लिया है। ये इसका एक्सिस हो गया जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा, जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा, यही एक्सिस हो गया बेटा। तो ये वो पॉइंट है जो एक्सिस है जिसके अबाउट ये रॉड घूमेगा बेटा। क्वेश्चन यही है कि कितना EMF प्रोड्यूस होगा, और बहुत अच्छे से दो क्वेश्चन मैंने मेन क्लास में कराए थे कि जिसके अबाउट घूमेगा उसको फिक्स मान लोगे बेटा, और वही ओरिजिन मान लोगे, ओरिजिन के निगेटिव एक्स एक्सिस का लिमिट निगेटिव लिया जाता है और ओरिजिन के पॉजिटिव एक्स एक्सिस का लिमिट पॉजिटिव लिया जाता है। तो इसका लोअर लिमिट बेटा माइनस एल बाई फोर हो जाएगा, अपर लिमिट इसका बेटा 3L/4 हो जाएगा। याद होगा बेटा बहुत अच्छे से बताया गया था, इसके अबाउट रॉड रोटेट कर रहा है तो इसको आप फिक्स्ड मान लोगे। इसी टाइप के क्वेश्चन में बच्चा परेशान होता है, फिर से एक बार क्लियर कर लो बेटा, कोई भी रॉड का रोटेशन है
जिधर से रोटेट करेगा, जहां से रोटेट करेगा उसको फिक्स मान लिया करो और उसी को ओरिजिन मान लो बेटा। अगर ओरिजिन के निगेटिव एक्स एक्सिस में कोई एंड है तो उसकी लिमिट निगेटिव हो जाएगी, और ओरिजिन के पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कोई है तो उसका लिमिट बेटा पॉजिटिव हो जाएगा। तब देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। ये हमारा बन गया बेटा, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा देखो फिक्स हो गया, इसी को हम ओरिजिन मान लेंगे। जब ओरिजिन मान लेंगे तो जो ये वाला डिस्टेंस चलेंगे ये कैसा होगा, निगेटिव होगा, और जो ये वाला डिस्टेंस चलेंगे ये कौन होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हमने सिखाया बेटा, जस्ट अभी यही सिखाए हैं, इंटीग्रेशन डी बनाया करो। ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन डी बनाया करो, बी ओमेगा लिखा करो, इंटीग्रेशन आर डी आर करो। लोअर लिमिट इसका -L/4 होगा और अपर लिमिट बेटा 3L/4 होगा। बच्चों क्लियर कर लें, जिस एक्सिस के अबाउट हमारा ऑब्जेक्ट घूमेगा उसी को ओरिजिन मान लिया करो बेटा। वहां से निगेटिव एक्स एक्सिस में जो लंबाई होगा वो लोअर लिमिट होगा, उधर से जो पॉजिटिव में होगा वो अपर लिमिट होगा बेटा। तो इसका लोअर लिमिट -L/4 हो गया, अपर लिमिट 3L/4 हो गया बेटा। और ये अभी जस्ट सिखाया गया है, इसीलिए कहे हैं ये याद रखा करो बेटा, इंटीग्रेशन डी बराबर बी ओमेगा इंटीग्रेशन आर डी आर। अब जो बच्चा इसको याद रखेगा वो गलत नहीं करेगा बेटा। तो ये हो गया आर डी आर, हो गया इंटीग्रेट कर दो बेटा। हाँ, वैरियर नाम का बच्चा आ गया, जग के आ गया, अरे नालायक, क्लास चल रही है 1 आवर से, सब बच्चे जग गए हैं, ये बच्चा सो रहा था, वैरियर सो रहा था बेटा। तो ई बराबर हो गया, हाँ कितना सोता है नालायक, किसे नींद आती है। ये हो गया -L/4 हो गया, प्लस हो गया है 3L/4 बेटा। वैरियर आप थोड़ा सोना कम कर दे बेटा, एग्जाम बहुत पास में है। हाँ तो इंटीग्रेट कर दो बच्चों, इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तो ये बन जाएगा, ये हमारा हो गया है बी ओमेगा। नहीं, वो पढ़ रहा था, रात में पढ़ता है, रात भर पढ़ता है, सुबह वो बच्चा सोता है, तो ऐसा नहीं है भाई, बच्चा बहुत अच्छा है, रात भर पढ़ता है, दिन में देर तक सोता है। तो ये बराबर हो गया बेटा, ई बराबर हो गया, यहाँ से बी ओमेगा अपान 2 हो गया है, और ये बन गया बेटा अपर लिमिट 3L/4 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस देखो बेटा -L/4 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये कितना आ गया है, बराबर हो गया है बी ओमेगा अपान 2 हो गया है, 9L/2/16 हो गया, और ये बन गया बेटा L/2/16 हो गया, 16 हमारा एलसीएम हो गया, 9L/2 - L/2 हो गया, बराबर हो गया बच्चे बी ओमेगा अपान 2 हो गया, 9 से 8 हो गया, 8L/2/16 हो गया, 8 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो गया 1/4 बी ओमेगा L/2। हाँ ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी पढ़ता है, हाँ बिल्कुल भाई। वैरियर देख लो बेटा, थोड़ा जल्दी जग जाया करो। हाँ बच्चों कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है ना, बच्चों कॉन्सेप्ट में कोई डाउट तो नहीं। जिस एक्सिस के अबाउट चीजें घूमेंगी बेटा, जिस एक्सिस के अबाउट चीजें घूमेंगी उसी को ओरिजिन मान लिया करो। अगर उससे निगेटिव एक्स एक्सिस है तो माइनस होगा, और अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है बेटा तो पॉजिटिव होगा। यस ओके बेटा, शिल्पा मिश्रा आंसर को सही करो बेटा, शिल्पा मिश्रा बेटा आंसर को सही करो, कहीं गलत हो रहा आंसर आपका। क्लियर बच्चे, ओके चलो। अगर हमारा डिस्क है और वो रोटेट हो रहा है तो यहाँ पे फार्मूला भरो, जिसका रेडियस आर है तो यहाँ पे क्या फार्मूला होगा।
नहीं, वैरियर सुन रहा है। हाँ, वैरियर जल्दी से बेटा चाय वाय पी के और जल्दी से जग जाओ। हाँ फट से एक कप चाय बेटा मुंह पे मारो और फट से नींद खुलेगी। हाँ, ओ सारे बच्चों का आंसर आ गया। सर इसको कुछ नहीं है, आप केवल आर स्क्वायर ओमेगा भर दीजिए। चलो भाई, हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा बेटा, बिल्कुल एकदम सही। चले एन स्पोक के लिए बेटा, हम लोग जानते हैं कि साइकिल में जो स्पोक लगे होते हैं, मोटरसाइकिल में स्पोक लगे होते हैं, तो जो एक का स्पीड होता है वही सारे स्पोक का स्पीड होता है और सारे स्पोक की लंबाई भी बराबर होती है। तो अगर कुल एन स्पोक हैं, यानी अगर कुल व्हील्स में एन स्पोक हैं बेटा, तो एक स्पोक का ईएमएफ इतना है, एक स्पोक का ईएमएफ इतना है, तो यन स्पोक का ईएमएफ कितना होगा, फिल करो बेटा। हाँ, एक कप चाय मुंह पे मारो बेटा और नींद फट से भागेगा। मुझे याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है, कोई ऐसा सिटी था जहाँ पे मैं गया था, तो वहाँ पे लोग ये नहीं कहते थे कि चाय लाओ। बच्चों ध्यान से सुनो, वहाँ पे कोई भी, मुझे लगता है एमपी का सिटी था या महाराष्ट्र का सिटी था या यूपी का, मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, वहाँ पे कोई ये नहीं कहता है नॉर्मल कि चाय दो दुकान वाले से, सीधा बोलता एक कप चाय मारो भाई, एक कप चाय मारो। ऐसे बोलते हुए जितने थे बेटा सबको मैंने यही बोलते हुए सुना, एक कप चाय मारो। जो भी दुकान पे आता था चाय पीने, अरे भाई एक कप चाय मारो, तो वो उनका वही लैंग्वेज था, उस शहर का लैंग्वेज था कि एक कप चाय मारो, मतलब लाके टेबल पे एक कप चाय रखो हमारे, तो उन लोगों का ये लैंग्वेज था। हाँ अब देखो बेटा, एन स्पोक के लिए कितना होगा? नहीं, अंजलि एक कप चाय मारो तो मतलब हम भी दुकान वाले से, भाई हम तो यही कहे चाय दे दो, लेकिन मैंने लैंग्वेज को सुना, सब लोग यही बोल रहे थे कि एक कप चाय मारो, मतलब टेबल पे बैठ के एक कप चाय मारो दुकान वाले से बोलते थे, तो दुकान वाला टेबल पे चाय लाके रखता था, अब वहां का लैंग्वेज ही यही था बेटा, मुंह पे नहीं मारना था भाई। हाँ एन स्पोक के लिए बेटा कितना होगा? हाँ कहीं पे दिमाग में मेरे आ रहा है और बहुत कॉन्फिडेंस से हूँ कि एकदम सही में है बेटा, यही शब्द बोला जाता था। कहाँ पे है ये दिमाग में आ रहा, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा तो मैं बिहार नहीं गया, लेकिन एमपी में कई बार गया हूँ, एमपी या यूपी में से ही कोई शहर हो सकता है बेटा। यन स्पोक के लिए कितना होगा? अच्छा एमपी में बोला जाता है। ओ, अच्छा, हाँ तो फिर एमपी में ही होगा बेटा, एमपी में होगा, एमपी में ही होगा बेटा फिर, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंशियल याद है कि यही शब्द बोला जाता था चाय मारो लाके। हाँ एन स्पोक के लिए बच्चों कितना होगा? ओ सारे बच्चे भाई, हाँ नहीं बिहार में नहीं गया बेटा, तो बिहार में शायद नहीं ऐसा, बिहार का मैं नहीं जानता हूँ, एमपी या यूपी में से ही है, तो सारे बच्चे कह रहे हैं एमपी में। हाँ सारे बच्चे कह रहे हैं सेम होगा सर, जो एक स्पोक का होगा वही एन स्पोक का होगा, कि केवल बेवकूफ बनाया जाता है, तो आंसर इसका सेम होगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो जो ईएमएफ होगा वो सेम होगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होगा एन स्पोक के लिए बेटा। यस गुड, चलो गुड बेटा। अब देखो बेटा डिफरेंट केसेस हैं, जब बेटा कोई रॉड, किसी आपको याद होगा रेल रोड के नाम से मैंने कहा था कि जब कोई रॉड बी वेलोसिटी से बेटा मूव करता है
तो ढेर सारे रिजल्ट आते हैं, इसका ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूज करंट कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, पावर कितना होगा, जो आप देखते होंगे नीट में डायरेक्ट पूछा जाता है बेटा। कोई भी अगर रॉड बी वेलोसिटी से बेटा, जिसकी लंबाई एल है, अगर मूव करता है बेटा, तो कितना ईएमएफ होगा, कितना मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा, कितना बेटा पावर होगा, सब आपको बताना है। तो ईएमएफ कितना होगा बच्चों, कितना ईएमएफ होगा? सारे बच्चे आंसर बोल रहे हैं वीबीएल होगा, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। आई बराबर ई बाई आर होगा, तो बीबीएल अपान आर हो जाएगा, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स आई का मान रख दो उठा के बेटा, ये सामने रखा हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा क्योंकि थीटा 90 है, आई बी एल साइन 90 हो गया बेटा। यहाँ से अगर वैल्यू रख दिया जाए तो आई का मान हो गया है बी बी एल अपान आर हो गया, एक बी एल हमारा ऑलरेडी है तो ये बन गया है बी, और ये हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपान क्या हो गया, आर हो गया बेटा। बिल्कुल एकदम सही है, गुड, यस एकदम सही होगा बेटा, तीनों आपका एकदम क्लियर होगा, एक बार दिमाग में बैठ जाएगा फटाफट, बस आप देखते चलो। ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स होगा क्योंकि जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कोई चेंजिंग नहीं रहता है। पावर होता है बेटा, पावर मैकेनिकल और थर्मल दोनों का मैंने वहाँ प्रूफ करके दिखाया था सेम होता है। पावर बराबर हो गया बेटा, चाहे आई स्क्वायर आर कर दो चाहे बी स्क्वायर आर कर दो, दोनों से सेम होगा। तो ये हो जाएगा हमारा ई स्क्वायर आर हो गया। ई आई, ई का मान होता है बी बी एल हो गया, आई का मान जस्ट अभी देखा गया है बेटा बी बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर हो गया, बी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपान आर हो गया। सॉल्व किया जाएगा बेटा, अच्छा आई का मान, वही मैं सोच रहा हूँ आई का मान गलत लिखा हुआ है बेटा, सॉरी। तो ये बराबर कितना हो गया है, वी बी एल अपान आर हो गया, और ये पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। क्लियर है ना बेटा, ओके चलो। सेल्फ इंडक्टेंस की बात हम लोग करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं। याद होगा बेटा, एक ही कॉयल में अगर फ्लक्स का चेंज कराते हैं तो करंट चेंज हो जाता है, ऐसे प्रोसेस को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। फाई प्रपोर्शनल आई होता है, तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहां पे क्या फिल किया जाता है, हाँ, वैरियर बेटा मेडिसिन लो, इस समय मौसम चेंज हो रहा है, तबीयत खराब है, मेडिसिन लो और रेस्ट करो बेटा, वैरियर रेस्ट करो बेटा, यस वेरी गुड। फाई बराबर एल आई के हो जाएगा, और एल को क्या कहा जाता है बेटा, कॉफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है, कॉफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सारे बच्चे रिजल्ट याद करना शुरू कर दें, कॉफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस तो एन बराबर एल आई के हो जाएगा बेटा, यही मैंने सिखाया था। कोई भी न्यूमेरिकल्स होगा एन अपान आई पढ़ोगे और बार बार फाई पढ़ोगे। जिस बच्चे को सेल्फ इंडक्टेंस पे राज करना है वो ये याद रखेगा, एन फाई बराबर एल आई हो गया, तो एल बराबर एन अपान आई इंटू फाई हो गया बेटा। हर न्यूमेरिकल में फाई बराबर बी ए खरीदना है, बी कौन होता है, उस सिस्टम का मैग्नेटिक फील्ड और उसी सिस्टम का एरिया होता है बेटा। फट से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा, क्लियर है बच्चों, यस। चलें, इसका ईएमएफ कितना होगा बेटा, ईएमएफ कितना होगा, ई बराबर माइनस एल, यहां पे क्या आएगा बच्चों, यहां पे क्या आएगा, हाँ हेनरी याद है बेटा, हेनरी याद है अंजलि, हाँ या सारे बच्चों को आंसर एकदम याद है,
सुधीर सर सब हमको याद है, आप टेंशन ना लो, DI/DT है, 17 जुलाई को हम फोड़ के आएंगे, हमें सब याद है। E=-LDI/DT होता है। क्वेश्चन की औकात पहली बनती है, करंट का मान समय के रूप में दिया होगा, डिफ्रेंशिएट कर दोगे DI/DT होगा, एल दिया रहेगा, EMF का मान पूछ लिया जाएगा बेटा। गुड, चलें अब बहादुरी सभी बच्चों को दिखाना है। प्लेन क्वायल का सेल्फ इंडक्टेंस, मुझे पेन नहीं उठाना है, प्लेन क्वायल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा? अमर कभी कभी बेटा घर में खुला रहता है तो खाना खाते समय देख लेता हूँ बेटा, है ना? अमर कभी कभी बेटा मजबूरी में देखना पड़ता है, क्योंकि खाना खाते समय बच्चे उसी को खोले रहते हैं, तो देखना पड़ता है बेटा मजबूरी में। अब आंखें कहाँ से बंद कर लेंगे, तो देखना पड़ता है बेटा। हाँ वैसे जनरली बेटा मेरे घर में धारावाहिक नहीं चल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और बच्चे कार्टून देखते हैं, कोई धारावाहिक मेरे घर में अलाउ नहीं है कोई भी बेटा। बच्चे केवल ज़्यादा से ज़्यादा तारक मेहता का उल्टा चश्मा और कार्टून देख सकते हैं बस, तीसरा टीवी में कुछ अलाउ नहीं है बेटा। हाँ हाँ चलो भाई इसका आंसर बताओ भाई। हाँ हाथी भाई, इसका आंसर बताओ बेटा। किसी बच्चे को भूलना नहीं चाहिए, जैसे मैंने ट्रिक सिखाया है उसी ट्रिक से कॉपी में साल्व करो, और मैंने कहा था एग्जाम में याद करके ना जाना, 2 सेकंड लगेगा बना लिया करना, 2 सेकंड लगेगा बना लेना बेटा। कैसे मैंने याद करो बेटा, एल बराबर होता है N/I और फाई, याद करो बेटा फाई बराबर, देखो 1 सेकंड में बन गया, फाई बराबर हो गया BA हो गया, बराबर यहाँ से बेटा आ गया N/I। मुझे भी नहीं याद है इसलिए मैं बना रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं चेक कर लूँ आप सही बता रहे हो कि गलत। तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा I/R होता है, और एरिया π/r² हो गया। 1 सेकंड में बच्चे बना लिया करो, यही फार्मूला इसका मास्टर है, फट से बनाया करो। R से R कट गया बेटा, I से I कट गया, मुस्कुराते हुए आंसर आ गया, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स n कर लिया करो बेटा, तो पाई से पाई कैंसिल, R से R कैंसिल हो गया, I से I कैंसिल हो गया, बराबर हो गया μ0/2 हो गया, पाई हो गया, आर हो गया, और ब्रैकेट के बाहर N² हो गया, यहाँ से दिख रहा है L/N². बच्चों एकदम मस्त क्लियर है ना? कोई बच्चा बेटा याद अगर कॉन्फिडेंसुअल है तभी करेगा, नहीं तो एग्जाम में रिस्क नहीं लेगा। इस प्रोसेस से 5 सेकंड में बेटा वो आंसर ला सकता है, इसीलिए ध्यान रखना, टाइम नहीं लगता है, कॉन्फिडेंस अगर है तो अभी याद करना, नहीं तो बेटा फट से बना लेना। गुड, चलो सोलोनाइट के लिए कितना होगा पी पॉइंट पर, यहाँ पर बेटा सोलोनाइट का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, बच्चे भरे। सर एक बार फिर से समझा दो, बिल्कुल समझा देंगे बेटा, बिल्कुल समझा देंगे। देखो जिस बच्चे को नहीं समझ में आया है बेटा ध्यान रखना, रटना नहीं, यही सब पूछा जाता है, कोई भी चीज हो, देखो यल निकालना है बेटा तो ये वाला फार्मूला यूज याद कर लो, N/I/φ याद कर लो बेटा, हर केस में N/I फिक्स रहेगा बेटा, केवल फाई बदलेगा, और फाई बराबर BA पुट किया करो। देखो बेटा इसका मुझे एल लाना था, N/I/φ पुट किए, फाई बराबर BA होता है, B किसका, इस क्वायल का मैग्नेटिक फील्ड बेटा। तो देखो
एन अपान आई लिख लिए, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन मान लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है, म्यू नॉट अपान टू एन आई अपान आर। इस एन का इस एन से कोई रिश्ता नहीं है बेटा, ये एन आई अपान फिक्स है बेटा। एरिया इसका पाई आर स्क्वायर होगा, आर से आर बेटा कट गया, आई से आई कट गया, ये आंसर आ गया। केवल ये याद रखा करो, उस केस का बी रखा करो, उस केस का एरिया रखा करो बेटा, फट से आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा? हाँ चलो भाई, सारे बच्चों को ये भी याद होगा बिल्कुल, अभी इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग पढ़े हैं तो सोलोनाइट का मैग्नेटिक फील्ड याद होगा बेटा, तुरंत हम लोग लिखेंगे। जो बच्चे को नहीं आया है फिर से एक बार देखो बेटा, तुरंत हम लोग ये फार्मूला लिखेंगे, एन अपान आई लिखेंगे। मुझे भी नहीं याद आता बेटा आज तक, मुझे भी, मैंने कहा था ये सबसे वीक पॉइंट मेरा है, कभी भी ये फार्मूला मुझे याद नहीं आता, फट से मैं बनाता हूँ। तो फाई बराबर क्या होगा बेटा, बी ए हो जाएगा, इसका रेडियस आर हो गया बेटा, बराबर यहाँ से एन अपान आई के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, मैग्नेटिक फील्ड बीच में लाना है, तो इसका क्या होता है, म्यू नॉट स्मॉल एन आई याद होगा, और एरिया क्या हो गया बेटा, जरूरत पे पाई आर स्क्वायर हो गया। स्मॉल एन क्या होता है याद होगा बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। एन अपान आई हो गया, म्यू नॉट हो गया, एन अपान एल हो गया, इंटू आई हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। आई से आई बेटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बराबर आंसर आ जाएगा, म्यू नॉट अपान एल हो गया, पाई हो गया, आई आर स्क्वायर हो गया, इंटू क्या बन गया, एन स्क्वायर। बिल्कुल एकदम गुड बेटा, कोई भी फार्मूला हो इस सिस्टम पे अटैक करोगे बेटा, उसका बी लाओगे। सोलोनाइट का अगर एक्सिस पर कहीं अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है बेटा, याद होगा। एन कौन है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू लेंथ होता है, ये याद होगा, रख दिया गया बेटा। एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सोलोनाइट को काटोगे तो रिंग बनेगा बेटा, तो एरिया पाई आर स्क्वायर आंसर आ गया। बच्चे क्लियर है, रट के मत जाना बेटा, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है इसको रट के ना जाना बेटा, नहीं तो कोई चीज अगर मिस हो गया तो सस्ता क्वेश्चन चला जाएगा बेटा। ये जुगाड़ याद रखो बेटा, फट से एक सेकंड में बेटा बना दिया करो, आंसर आ गया। चल, एनर्जी स्टोर क्वायल में कितना होता है, क्वायल में एनर्जी स्टोर कितना होता है, किसी क्वायल में एनर्जी स्टोर कितना होता है, रजत सर बी गलत है, नहीं बेटा बी सही है, रजत बी एकदम सही है। अगर पी पॉइंट, रजत ध्यान से देखो बेटा, अगर पी पॉइंट यहाँ होता तो यहाँ पे अपान टू हो जाता बेटा, लेकिन अगर पी कहीं एक्सिस के अंदर है बेटा, एक्सिस के अंदर है यानी सोलोनाइट के अंदर कहीं है बेटा, एंड पर नहीं है, तो म्यू नॉट एन आई ही होता है बेटा, ये एकदम कॉन्फिडेंस वाले याद कर लो। रजत फार्मूला होता है म्यू नॉट, इसका जो फार्मूला जनरल बनता है बेटा, म्यू नॉट एन आई अपान टू होता है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता है। जब बेटा ये दोनों एंड इनफाइनाइट पे होंगे तो साइन 90 साइन 92 हो जाएगा, दो से दो कट जाएगा बेटा, म्यू नॉट एन आई ही रहेगा। यस, सारे बच्चों का आंसर आ गया, हाफ एल आई स्क्वायर बेटा, बिल्कुल एकदम सही है, हाफ एल आई स्क्वायर, गुड बेटा। एनर्जी डेंसिटी, पूरे फिजिक्स में तीन एनर्जी डेंसिटी है बेटा, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में कितना होगा यहां पर, अंजलि ये ओरल टेस्ट ही तो है बेटा, अंजलि ये ओरल टेस्ट ही है, थोड़ा सा ये सब खत्म हो जाए फिर हम लोग ओरल टेस्ट ही तो पूरा जुलाई करेंगे बेटा, जितना हम लोगों के पास 15 जुलाई तक टाइम है यानी 30 जून तक ये सब खत्म हो जाएगा, इसके बाद बेटा 1 जुलाई से हम केवल न्यूमेरिकल्स और आपसे पूछेंगे ही, चैप्टर वाइज नहीं पूछेंगे बेटा, पूरा ब्रांच वाइज पूछेंगे, तो वो पूछने का सिलसिला ही चालू रहेगा बेटा, और फार्मूला बना बना के हम लोग आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। ओ सारे बच्चों का आंसर आ गया कि सर यहाँ पे बी स्क्वायर होगा, बिल्कुल बेटा बी स्क्वायर अपान टू म्यू होता है, बिल्कुल एकदम गुड, यू बराबर बी स्क्वायर अपान टू म्यू बेटा, एकदम याद है। रजिस्टर का इंडक्टर का कम्बिनेशन बेटा, इंडक्टर जो सीरीज और पैरेलल में जोड़ा जाता है बेटा, ये किस रूल को फॉलो करता है,
कैपेसिटर या रेजिस्टेंस रूल को यहाँ पे फिल करें। इंडक्टर का कम्बिनेशन जो सीरीज और पैरेलल में होता है वो बेटा किसको फॉलो करता है, क्या वो रेजिस्टेंस रूल को फॉलो करता है या पैरेलल रूल को? हाँ शायद नहीं भाई, शायद नहीं, कॉन्फिडेंशियल ये रेजिस्टेंस रूल को फॉलो करता है। बिल्कुल बेटा कॉन्फिडेंशियल ये रेजिस्टेंस रूल को फॉलो करता है बेटा, शायद शब्द नहीं बेटा, कॉन्फिडेंशियल ये रेजिस्टेंस रूल को फॉलो करता है। गुड बेटा, यस। तो जब रेजिस्टेंस रूल को फॉलो करेगा तो सीरीज में है तो L1 प्लस L2 प्लस क्या हो जाएगा, L3 हो जाएगा बेटा। पैरेलल में 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 हो जाएगा, जो आपको दिख रहा होगा बेटा, सब मैंने बना दिया है। चलें, LRDC सर्किट नीट 2022 का पॉसिबल क्वेश्चन बेटा, क्योंकि DC सर्किट का क्वेश्चन नहीं आया है, ये कभी भी आपके दरवाजे पे आ सकता है बेटा। LR का DC सर्किट याद होगा बच्चों, इंडक्टर की जो बैटरी होती है यहाँ भी किरचाफ ला लगेगा, हैदर याद आ रहा होगा बेटा, किरचाफ ला से सॉल्व किया जाता है। समेशन IR बराबर समेशन EMF होता है, रेजिस्टेंस को छोड़ के सब बैटरी होते हैं और तरीका वही होता है ओपन सर्किट में। बेटा ध्यान रखना, LR का DC सर्किट दो तरीके से होता है, एक क्लोज सर्किट एक ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट आप में नहीं आ सकता है क्योंकि बेटा भयंकर लॉग लगता है, केवल LR का DC सर्किट पॉसिबल है ओपन में बेटा आ सकता है। इसीलिए एक दो क्वेश्चन की यहाँ प्रैक्टिस कर लो। याद होगा बेटा मैंने सिखाया था जो इंडक्टर होता है वो बैटरी की तरीके से बिहेवियर करता है, -LdIdt की तरीके से बिहेवियर करता है। ये बैटरी है, ये सब बैटरी है, केवल बेटा इसको रेजिस्टेंस को छोड़ के सब बैटरी है, और ये बैटरी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, -LdIdt होगा। अगर करंट घटता है तो DI/DT का मान निगेटिव होगा, करंट अगर बढ़ता है तो DI/DT का मान पॉजिटिव होगा बेटा। तो एक बार याद करें और करें बेटा। बच्चों इतना तो याद होगा ही, जो इंडक्टर होता है वो बैटरी की तरीके से बिहेवियर करता है, -LdIdt की तरीके से बिहेवियर करता है बेटा। तो ये कौन होगा, किरचॉफ लॉ होगा, समेशन IR बराबर हो जाएगा भाई समेशन EMF होगा, समेशन EMF होगा। बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी के तरीके से सॉल्व करोगे, ओपन सर्किट में जहां से चलते हैं वो पॉजिटिव, जहां पहुंचते हैं वो निगेटिव है। यहां पे बेटा करंट हमारा घट रहा है तो निश्चित है DI/DT का नेचर कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और DI/DT बराबर हो कितना जाएगा बेटा, -2 एम्पियर/सेकेंड हो गया, दैट इज अवर DI/DT हो गया। करंट घट रहा है तो DI/DT निगेटिव हो गया। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं IR, यहाँ पे IR कितना है, यहाँ पे ही लिखते हैं जिससे बेटा देखने में रहे, नहीं तो बार बार हमको वो करना पड़ेगा चेंज। तो कितना हो गया IR, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे बच्चे तो IR पॉजिटिव होगा, मोशन मैंने यही मान लिया अपना बेटा, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन गया 2I हो गया है। अब यहाँ पर कोई और रेजिस्टेंस है ही नहीं, जहाँ से चलते हैं वो पॉजिटिव, जहाँ पहुँचते हैं वो निगेटिव होता है बेटा। प्लस से माइनस है तो -4 हो गया है, प्लस हमारा 1 हो गया है, माइनस हमारा 2 हो गया, प्लस ऐसे लिख के बेटा ब्रैकेट में याद होगा मैंने सिखाया था DI/DT कर दो, I का मान 2 एम्पियर कर देना है। तो अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये बन जाएगा बेटा 2I हो गया, 1 बन गया, BP-BQ हो गया है। इसको सॉल्व करने पर ये बन गया -6 प्लस 1 बराबर हो गया -5 हो गया बेटा। प्लस लिख के ब्रेकेट में -LdIdt लिखोगे, इसको ब्रेकेट के अंदर ही सॉल्व करोगे, 7 बराबर हो गया, BP-BQ हो गया, ये प्लस हो गया बेटा, ब्रेकेट के अंदर सॉल्व करो। L का मान दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ये 4 हो गया है,
डी आई अपॉन डी टी का मान दिया है बेटा कितना, 2 एम्पियर पर सेकेंड है, तो ये हो जाएगा -2 हो गया है, बराबर कितना आ गया है, +8 हो गया बेटा, तो 7 - 8 हो गया, बराबर हो गया बी पी माइनस बी क्यू हो गया, तो बी पी माइनस बी क्यू बराबर -1 आ गया है। बच्चों एक बार भूल गया होगा, अच्छे से देख लो, रेजिस्टेंस को छोड़ के अब हम समझा रहे हैं, देखें रेजिस्टेंस को छोड़ के बेटा, रेजिस्टेंस को छोड़ के सब बेटा बैटरी होगा, बिल्कुल किरचाफ का करंट इलेक्ट्रिसिटी का रूल होगा, केवल जो एल होगा वो बेटा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी की तरीके से बिहेवियर करेगा और सब बैटरी बनेंगे। देखें चेक करें, यहाँ से हमने मोशन मान लिया, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे, आई आर पॉजिटिव हो जाएगा, हम एक बार चेक भी कर लेते हैं बेटा, तो देखो आई आर पॉजिटिव हो गया, तो 2i हमारा पॉजिटिव हो गया, जहाँ से चलते हैं वो टर्मिनल पॉजिटिव, जहाँ पहुँचते हैं वो टर्मिनल निगेटिव, तो ये बन गया बी पी माइनस बी क्यू हो गया, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -4 होगा, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो +1 होगा, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -2 हो जाएगा, बैटरी हमारा बेटा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी बनेगा, करंट देखो घट रहा है बेटा, तो डी आई अपॉन डी टी का मान निगेटिव हो जाएगा, डी आई अपॉन डी टी बराबर -2 एम्पियर पर सेकेंड हो गया, ये बन गया हमारा -6 + 1 बराबर -5 हो जाएगा, ये 2 बनेगा बेटा, इधर आएगा तो 7 हो जाएगा, ये पूरा 7 हो जाएगा बेटा, यहाँ से बी पी माइनस बी क्यू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, एल के स्थान पे ब्रैकेट के अंदर -4 लिखो, डी आई अपॉन डी टी बराबर -2 हो गया, तो -4 और -2 का मल्टीप्लाई बेटा +8 हो गया, +8 इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, सॉल्व कर लो, देखो कहीं चेक कर लो बेटा, ये -5 है, -4 -2 बराबर -8 हो गया, --+8 हो गया, इधर आ गया बेटा तो कितना आ गया -8 बराबर -1। बच्चों कहीं पे गलत हमारा है, पूजा एक बार चेक करो बेटा, भगवती एक बार चेक करो बेटा, कहीं पे माइन हमारा तो माइनस ही आ रहा है बेटा, मैंने दो बार चेक कर लिया, संजना एक बार चेक करो बेटा, मेरा माइनस ही आ रहा है। ओके गुड, बहुत आसान बेटा, जो एल होगा वो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी की तरीके से बिहेवियर करेगा, अब उसको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया करो बेटा, अगर करंट घट रहा है तो डी आई अपॉन डी टी निगेटिव होगा, करंट अगर बढ़ रहा है तो डी आई अपॉन डी टी को बेटा पॉजिटिव कर दिया करो, सारे वैल्यू को रखो बेटा, अननोन की वैल्यू निकाल लिया करो, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ओपन सर्किट पढ़ते थे, जहां से चले पॉजिटिव, जहां पहुंचे निगेटिव, बेटा सारे प्रोसेस को फॉलो करना है। बच्चों एकदम क्लियर है ना? हाँ ओके, चलो भाई कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ और करके दिखाएं, केवल रेजिस्टेंस को छोड़ के सब बैटरी होगा बेटा, जैसे बैटरी बनेगा बस यही जो इंडक्टर होगा ये माइनस एल डी आई अपॉन डी टी की तरीके से बिहेवियर करेगा, करंट घटना बढ़ना एग्जामिनर देगा बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव कर दिया करो, अगर करंट बढ़ता तो डी आई अपॉन डी टी का नेचर पॉजिटिव हो जाता, ध्यान रखना। चल इस क्वेश्चन को जल्दी से करके दिखाएं बेटा, आप गलत नहीं होना चाहिए, बी पी माइनस बी क्यू 12 वोल्ट है, करंट बढ़ रहा है बाई 1 एम्पियर पर मिनट है, तो करंट आई का मान बताना है कितना होगा, अमर कुछ लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया, चलो अमर देखो बेटा, अमर डिस्टर्ब नहीं होना है, देखो अच्छे से समझ लो बेटा, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, अगर यल को भगा दे बेटा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराए हैं, आपकी प्रैक्टिस हुई होगी, सब कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी से करना है, केवल जहां पे इंडक्टर होगा उसको माइनस यल डी आई अपॉन डी टी अमर पढ़ा करो, जहां इंडक्टर होगा माइनस यल डी आई अपॉन डी टी पढ़ो, यानी बैटरी की तरीके से काम करेगा। अब देखो यल का मान क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में यह भी दिया रहेगा कि करंट घट रहा है कि बढ़ रहा है,
अगर क्वेश्चन घट में करंट घट रहा है बेटा, तो डी आई अपॉन डी टी को माइनस में पढ़ लो, ये माइनस रहेगा ही ऑलरेडी, डी आई अपॉन डी टी को माइनस पढ़ोगे, और अगर करंट बढ़ रहा है बेटा तो डी आई अपॉन डी टी को पॉजिटिव पढ़ोगे। अब चलो यही मोशन मान लिया गया, आई आर पॉजिटिव, करंट के डायरेक्शन में जाओगे आई आर पॉजिटिव, रेजिस्टेंस को छोड़ के सब बैटरी बनेगा, जहाँ चलते हैं वो पॉजिटिव, जहाँ पहुँचते हैं वो निगेटिव लिख दिया गया, प्लस से माइनस है अमर तो माइनस चार, माइनस से प्लस है तो प्लस वन, प्लस से माइनस है तो माइनस टू, और देखो इसको लिख दिया गया ब्रैकेट में माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अब एल के स्थान पे चार लिखो, तो ब्रैकेट के अंदर ही इसको सॉल्व किया करो, माइनस चार डी आई अपॉन डी टी घट रहा है तो माइनस टू हो गया, देखो यूनिट पकड़ो बेटा एम्पियर अपॉन सेकेंड, तो माइनस टू एम्पियर यहाँ पे रख दिया गया, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा सबको, और सॉल्व कर लिया गया है, कैलकुलेशन कर लिया गया, बीपी माइनस बीक्यू आ गया बेटा। अमर क्लियर है बेटा? चले क्वेश्चन में बेटा, करंट आई अननोन है, इसका मान बताना है, बीपी माइनस बीक्यू दिया है, करंट बढ़ रहा है बेटा 1 एम्पियर पर मिनट, इसको तुरंत सेकंड में कन्वर्ट करोगे, ये दोनों इंडक्टर पैरेलल हैं बेटा, तो 6 और 6 का पैरेलल तुरंत निकाल लोगे, ये दोनों हमारे पैरेलल हैं बेटा, ये दोनों हमारे पैरेलल हो गए हैं, तो 6 और 6 का पैरेलल कितना हो जाएगा, 36 अपॉन 12 बराबर 3 हो जाएगा, तो यल का मान 3 आ जाएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, ये बन गया है, अब अमर करो बेटा, यही हमने मोशन मान लिया, ये हमने अपना मोशन मान लिया है, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो आई आर पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन गया 3 आई पॉजिटिव और सब बैटरी है, बी पी माइनस बी क्यू हो गया बेटा, प्लस से माइनस होगा, माइनस 3 होगा, इंडक्टर देखो 6-6 का पैरेलल 3 हो गया बेटा, तो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे प्लस लिखो, ऐसे माइनस एल डी आई अपॉन डी टी लिखा करो बेटा, और ये हो गया माइनस से प्लस है तो प्लस 2 हो गया, प्लस से माइनस है तो माइनस 4 हो गया, यहाँ तक कोई छेड़खानी नहीं करना है। देखो करंट का मान इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब बेटा डी आई अपॉन डी टी का नेचर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू है कितना, 1 एम्पियर पर मिनट, तो मिनट को बेटा 60 सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो डी आई अपॉन डी टी 1/60 हो गया, कितना आ गया, यहाँ से सॉल्व किया जाएगा तो 3 आई हो गया, बी पी माइनस बी क्यू के स्थान पे 12 कर दो, ये चेक कर लो बेटा, यहाँ से ये बन गया माइनस 4 प्लस 3 माइनस 7 हो गया, माइनस 7 प्लस 2 बराबर हो गया माइनस 5 के हो गया, तो ये बराबर हो गया माइनस 5 हो गया, प्लस हो गया माइनस एल, इंडक्टर हमारा 3 हो गया, जब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया, डी आई अपॉन डी टी का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये प्लस 1/60 हो गया बेटा, और ये सॉल्व कर लो, अब यहाँ से 3 से कट कर दो तो ये 20 हो गया, ब्रैकेट खोल दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आई हो गया बराबर 7 हो गया बेटा, 12 माइनस 5 बराबर 7 हो गया, माइनस 1/20 हो गया, माइनस 1/20 हो गया, तो ये बन गया 3 आई बराबर हो गया 140 माइनस 1/20 हो गया, तो I बराबर हो गया बेटा 139 हो गया अपान हो गया 20 इंटू 3 हो गया बराबर हो गया 139 अपान 60 हो गया। बच्चों चेक करो मेरा ये आ रहा है, मैं एक बार फिर से चेक कर ले रहा हूँ, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे आई आर पॉजिटिव होगा बेटा, ये 3 ओम है ध्यान रखना, ये 3 आई हो गया, बी पी माइनस बी क्यू हो गया, जहाँ चलते हैं वो टर्मिनल पॉजिटिव, जहाँ पहुँचते हैं वो निगेटिव हो गया, प्लस से माइनस है माइनस 3 हो गया, 6-6 का पैरेलल एल वन एल टू अपान एल वन प्लस एल टू बेटा पैरेलल में 1 अपान हो जाता है, तो 36 अपान 12 बराबर 3 के हो गया, तो इसका इंडक्टर कितना हो गया बेटा, 3 हो गया, इसका इंडक्टर सॉल्व करोगे तो 3 हेनरी हो गया बेटा, तो हम एक चेक कर ले रहे हैं बेटा, बराबर हो गया ये माइनस 3 हो गया, इसके स्थान पे माइनस एल डी आई अपॉन डी टी लिखा गया, माइनस से प्लस है तो प्लस 2 हो गया, प्लस से माइनस है तो माइनस 4 हो गया, ये माइनस 4 माइनस 3 बराबर माइनस 7 हो गया बेटा, माइनस 7 प्लस 2 बराबर माइनस 5 के हो गया, बी क्यू माइनस बराबर 12 दिया हुआ बेटा, प्लस हो गया देखो माइनस यल, यल के स्थान पे 3 रख दिया गया, डी आई अपॉन डी टी पॉजिटिव है बेटा, एम्पियर पर मिनट है सेकंड में बदल दो तो 1/60 हो गया, 3 से 60 कट गया 20 हो गया, तो ये 3 आई बराबर 7 माइनस हो गया 1/20 के हो गया बेटा, तो ये आ गया 3 आई बराबर 7 माइनस 1/20 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया 140 माइनस 1/20 हो गया है, आई का मान 3 नीचे आ जाएगा बेटा, मेरा यही आ रहा है बच्चे चेक कर लो,
उत्कर्ष का शिवानी। क्लियर है बेटा, शिवानी यही आया है। हाँ गुड गुड गुड, ठीक बेटा ठीक। ओके 2.3 के आसपास आएगा, बिल्कुल बच्चों 2.3 के 1 के आसपास आएगा, 139/60 2 पॉइंट कुछ आएगा बेटा। गुड, चलो ओके चलो चलें म्यूचुअल इंडक्टेंस को जल्दी से देख लें, बस क्लास एंड हो गया बेटा। म्यूचुअल इंडक्टेंस में याद होगा बेटा बच्चों, दो क्वायल होता था, जिस क्वायल में करंट हम लोग चेंज कराते थे, याद होगा ट्रिक बेटा, मैंने बताया था दो ही ट्रिक याद रखना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो दो क्वायल होगा, जिसमें करंट चेंज होगा उसी का मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, जिसमें फ्लक्स चेंज होता है उसी का एरिया लिया जाता है। बच्चों क्वेश्चन को करने के लिए दो कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाना होगा, जिसमें करंट होता है वो प्राइमरी क्वायल होता है उसी का मैग्नेटिक फील्ड लिया जाता है, पड़ोस वाले में फ्लक्स चेंज होता है उसी का एरिया लिया जाता है बेटा। दो ही कॉन्सेप्ट था, उसके बाद तो जनरल है सब बेटा। फाई टू परपोर्शनल आई वन के, तो फाई टू बराबर एम आई वन के, वहां एल था यहां एम हो जाएगा, एम कॉन्स्टेंट है, कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो यम बराबर क्या हो गया बेटा, एन टू फाई टू अपान आई वन के हो गया, एन टू फाई टू अपान आई वन। बहुत अच्छे से बेटा, एन टू अपान आई वन में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे हम लोग, फाई टू में चेंज करेंगे। फाई टू बराबर बी वन इंटू एरिया ऑफ सेकेंड क्वायल। फाई टू कौन होगा बेटा, पहले क्वायल का मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे क्वायल का एरिया। जिस बच्चे ने यही समझ लिया बेटा, राज किया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलें ईएमएफ कितना होगा बेटा, सारे बच्चे अब ईएमएफ को बोलेंगे, सोचने की जरूरत नहीं है। ई बराबर माइनस एम, वहां पे डी आई अपॉन डी टी था, तो यहाँ पे डी आई वन अपॉन क्या होगा, डी टी होगा, कोई चेंजिंग नहीं था बेटा, याद होगा। एल के स्थान पे यम हो जाएगा और आई के स्थान पे आई वन हो गया, आप जनरल डी आई अपॉन डी टी पढ़ो। तो वहां पे भी बेटा एल बराबर आया था एन अपान आई इंटू फाई था, यहाँ पे एम अपान आई इंटू फाई पढ़ोगे बेटा। फाई का मतलब बी वन इंटू एरिया ऑफ सेकेंड क्वायल, पहले क्वायल का मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे क्वायल का एरिया बेटा, एकदम याद जबान पे होना चाहिए। चले यही नीट 2021 में आया था, सारा बच्चा देखो मैंने यहाँ लिख दिया है, प्राइमरी क्वायल का मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंडरी क्वायल का एरिया लेना है। यहाँ पे मेन करंट हमारा है बेटा, ये हमारा मेन करंट है, ऐसे चल रहा है, इसका हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस बताएं बेटा कैसे सॉल्व करना है। प्राइमरी क्वायल का मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंडरी क्वायल का एरिया। जिस बच्चे ने इस पे राज कर लिया, ओरल क्वेश्चन हो गया, कोई बच्चा रट के ना जाए, अदरवाइज धोखा मिलना ही मिलना है बेटा। मेरे ट्रिक को फॉलो करो, जिस क्वायल में करंट उसका मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें फ्लक्स चेंज होगा उसी का एरिया लेना है बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, एम लाना है, ये लेंगे बेटा, इसको पढ़ेंगे एन टू अपान, हम लोग पढ़ेंगे बेटा आई वन पढ़ेंगे, और बी वन इंटू ए टू पढ़ेंगे बेटा, बी वन इंटू ए टू बराबर हो गया, यहाँ से एन टू अपान आई वन हो गया। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नाट अपान टू एन वन आई वन अपान आर वन हो गया, एरिया कितना बन गया बेटा, पाई आर टू स्क्वायर हो गया, पाई से सॉरी कोई कैंसिल नहीं होगा, केवल आई वन आई टू कैंसिल होगा बेटा, ये हमारा आई वन और आई टू कैंसिल हो गया, यहाँ से एम बराबर कितना हो गया है, म्यू नाट अपान टू हो गया है, एन वन एन टू हो गया बेटा, एन वन एन टू हो गया है, पाई हो गया है, और ब्रैकेट में आर टू स्क्वायर अपान क्या हो गया, आई वन हो गया। जिन बच्चों को आई नीट 2021 याद आ रहा होगा, तो यही पूछा था म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, ऑप्शन में चार ऑप्शन दिया हुआ था, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब इसको याद करके ले जाना कठिन होगा बेटा, मेरे ट्रिक को याद रखो बेटा और फट से बना लिया करो, 100% अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब मुझे भी, मुझसे कभी पूछो ये हम नहीं लिख पाएंगे बेटा, फट से ऐसे बनाएंगे और आपके सामने 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो आप भी बेटा इसी को फॉलो करो बेटा। ये देखें नीट 2021 का क्वेश्चन बेटा है,
दो कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, रेडियस रेडियस आर वन आर टू है, इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस हमको बताना है, एम डायरेक्टली प्रपोर्शनल किसके होगा। जस्ट 4 नंबर का क्वेश्चन था, जो गलत करके आया था उसका 5 नंबर चला गया भाई। हाँ यस वेरी गुड, सारे बच्चे टिक मार देंगे ऑप्शन फर्स्ट बेटा। यस चलो, तो कोशिश करो बेटा जैसे मैंने सिखाया है उसी तरीके से करो, तो कभी भी गलत नहीं हो सकता है। चल म्यूचुअल इंडक्टेंस बेटा सोलोनाइट का बताना है, कहानी वही, जिसका फ्लक्स चेंज होगा बेटा उसका एरिया लिया जाएगा, और जिसमें करंट पास होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड लिया जाएगा। तो ये हो गया, बस एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फाइ टू बराबर हो गया बी वन ए टू हो जाएगा बेटा, यहाँ से वैल्यू रखा जाएगा तो एन टू अपान आई वन हो जाएगा। बी वन का मान हो गया म्यू नाट एन आई होगा बेटा, पॉइंट हमारा बीच में है, यहाँ पर मैंने मान लिया है पॉइंट हमारा बीच में है, तो म्यू नाट क्या हो जाएगा एन वन अपान एल हो गया, और ये हो गया आई वन। एरिया क्या बन गया बेटा, पाई आर स्क्वायर हो गया, आई वन से आई वन हमारा कैंसिल हो गया, बराबर हो गया म्यू नाट हो गया, ये हो गया एन वन एन टू हो गया अपान एल हो गया बेटा, और पाई आर स्क्वायर। कभी याद नहीं होता बेटा मुझसे, इसीलिए मैं इस ट्रिक को हमेशा आपको बार बार इसको रिकॉग्नाइज करता हूँ बेटा कि इसी से बना लिया करो, 2 सेकेंड लगता है। फाइनली फिर से सुन लो बेटा, जिसमें करंट होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें पड़ोस में फ्लक्स चेंज होगा उसी का एरिया लिया जाएगा। फट से रख दिया करो, एक लाइन का आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर बेटा? हाँ ओके, बस खत्म है बेटा, लास्ट क्लास का 5 मिनट। कोफिशियंट ऑफ कपलिंग है m बराबर k अंडर रूट l1 l2 होता है, सारे बच्चों के एकदम जबान पे होगा। आइडियल कपलिंग के लिए k बराबर m होता है, तो m बराबर अंडर रूट l1 l2 होता है बेटा। सभी बच्चों को कोफिशियंट ऑफ कपलिंग याद होगा, नीट में एक बार आ चुका है। लास्ट सभी बच्चे ग्राफ बना के और चले जाएं, लास्ट ये ग्राफ है बेटा, और मैंने कुछ नहीं लिया है, कोई मैंने एडी करंट की चर्चा नहीं की है बेटा, कल हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे। इसका ग्राफ आप बना के और घर जाएं बेटा, आराम से रिलैक्स करें। ये करंट और समय का ग्राफ है, इसको बेटा फ्लक्स और टाइम के ग्राफ में कन्वर्ट कर दो, ईएमएफ और टाइम के ग्राफ में कन्वर्ट कर दो बेटा। अगर आप घर कर लो तो बेटा मैं छोड़ दूं इसको, बच्चों कर लोगे घर पे या कल क्लास में ले लेंगे? बच्चों कल घर पे, कल मैं क्लास में ले लूं या आज कर दूं? चलो ठीक है, घर पे कर लेना इसको बेटा, घर पे कर लेना। नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को मैं कल क्वेश्चन में ले उसमें ले लूंगा बेटा, और कल हम लोग इसको कर लेंगे बेटा। ओके ओके चलें, ओके बाय बच्चे, चलो हम लोग कल मिलते हैं बेटा न्यूमेरिकल सेशन के लिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक इंडक्शन दोनों का न्यूमेरिकल कल कराना है, अप्रॉक्स 4 PM के आसपास मेरी क्लास कल होगी बेटा, अप्रॉक्स 4 PM के आसपास कल मेरी क्लास होगी बेटा, 4 या 4:30 पे न्यूमेरिकल दोनों चैप्टर का एक साथ बेटा। केवल मुझे वही न्यूमेरिकल लगाना है जो अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे, नॉर्मल कोई न्यूमेरिकल्स मुझे नहीं लेना है, ठीक है ना? ओके बाय बेटा।